सुनील कुमार पिंटू, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि जैविक खाद की बढ़ावा आपने 2015-2016 से शुरू किया है और अभी तक मात्र 16 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है जो इससे लाभान्वित हो पाए हैं। क्या सरकार आने वाले दिनों में और कब तक कोई एक टाइम हो कि जिससे जैविक खादों पर हमारे पूरे देश के किसान आत्मनिर्भर हो सके और विदेश से मंगाने वाले हम फर्टिलाइजर पर से पूरी तरह अपने आप को मुक्त कर सके, ऐसी कोई योजना सरकार के पास है कि जैविक खाद को ही बढ़ावा देकर हम देश के पूरे किसानों को विदेशी खादों से मुक्ति दिला सके, ऐसी कोई योजना है तो सरकार पूरे विस्तार से बतलाने का कष्ट करे। इसमें मेरा यह कहना है कि जो प्राकृतिक खेती का जो मिशन हमने अभी प्रारंभ किया है, उस मिशन के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है ताकि हमारे जो जैविक खाद है, वो जो नेचुरल फार्मिंग है चाहे जैविक खाद है, उसके जो प्रोजेक्ट जो लगाता है उनको भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ताकि वो अधिक से अधिक सब जगह लगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि ये एरिया भी जो ऑर्गेनिक का जो जिस तरह से क्षेत्रफल है वो भी लगातार बढ़ता ही बढ़ा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारी जो क्षेत्रफल है उसके अंदर लगातार वृद्धि हुई है और क्षेत्रफल है जो पहले इसका एरिया था 10 लाख 11-12 लाख लगभग हेक्टर एरिया था, जो बढ़कर अभी 59 लाख हुआ है। यानी कि 2014-15 में जो एरिया था वो 11,84,000 हेक्टर था, जो बढ़कर 59 लाख हेक्टर हुआ है, एरिया बढ़ा है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो केमिकल के अंदर जो होता है, केमिकल के अंदर भी कमी आई है। जैसा कि पहले जो 2013-14 तक जो केमिकल का उपयोग जिस तरह से होता था पेस्टिसाइड का, वो लगभग 58,613 टन होता था, जो घटकर अभी 51,05,597, यानी कि लगभग 6,000 टन पेस्टिसाइड का भी उपयोग देश में कम हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसका इम्पैक्ट है वो जो भी जब हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक की खेती के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे पेस्टिसाइड में भी देश भर में कमी आई है।